मैं दीपक शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज में। जैसा कि आप जान चुके होंगे कि इस चैनल पर रेवाड़ी जुड़ी बड़ी खबरें मिलती रोजनी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज तारीख हो चुकी है 15 फरवरी 2021, माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, सोमवार रात्रि 3:37 तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की। तो इस प्रकार से रेवाड़ी की बड़ी खबरें हैं। NH 48 वे 71 को नारनौल हाईवे से जोड़ने वाले आउटर बाईपास का निर्माण शुरू हो चुका है, उन तय समावधि से पहले तैयार करने की कोशिश की जाएगी। शहर में विकास के लिए महत्वपूर्ण कड़ी आउटर बाईपास को प्रारंभ कर दिया गया है। दिल्ली जयपुर वे NH 71 से शहर में नारनौल राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले इस आउटर बाईपास का काम प्रारंभ होने के साथ राजमार्ग प्राधिकरण ने एक और फैसला लिया है कि यह फैसला है कि बाईपास का काम तय सीमा से 9 महीने पहले ही पूरा किया जाना है, जिसके लिए अभी से ही कामकाज प्रारंभ किया जा चुका है। चोर इतना शातिर कि धारवाड़ा में महिला की चैन झपटकर 2 मिनट में ही गायब हो गई, आधा घंटा बाद पकड़ी गई। धारवाड़ा बस स्टैंड पर एक महिला ने चैन तोड़ने की वारदात को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि पुलिस भी हैरान हो गई। बस से उतरने के कुछ समय बाद ही आरोपी महिला ने पैदल जा रही एक अन्य महिला की सोने की चैन झपट ली और गायब हो गए। इस बीच चैन तोड़ने का जब महिला को आभास हुआ तो उसने शोर मचा दिया, जिसके बाद आरोपी महिला दूसरे बस स्टैंड की तरफ चली गई। जिस महिला की चैन तोड़ी गई उसने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने महिला को साथ लेकर सर्चिंग अभियान चलाया और कुछ समय बाद ही महिला को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी महिला से सोने की चैन बरामद कर ली है। 5 दिन की देरी से आएगा जल घर में पानी। जल घर टैंक में बचाए केवल 20% ही पानी। साल की शुरुआत से ही पेयजल संकट का सामना कर रहे शहर को अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। 13 को पानी पहुंचने का तय शेड्यूल था, लेकिन अब 17 फरवरी को ही नहर से पानी पहुंचेगा। ऐसे में जनवरी माह से अल्टरनेट डे एक दिन के दी जा रही सप्लाई के समय भी जन स्वास्थ्य विभाग ने 10 मिनट की कटौती शुरू कर दी है। जल घरों के टैंकों में अब केवल 20% ही पानी बचा। ऐसे में अगर 17 को भी पानी नहीं आएगा तो रेवाड़ी में पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। चाकू दिखाकर युवक से मोबाइल लूटने वाला 2 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार किया गया। सीआई पुलिस ने चाकू की नोक पर युवक से मोबाइल और नकदी लूटने की वारदात में शामिल तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कालका रोड निवासी नगर निवासी के रूप में हुई है। आज की खबरें यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इसी समय। देखते रहिए हमारे चैनल को, देखना ना भूले। धन्यवाद।